जाएगी। आज टेस्ट मैच का चौथा दिन है, अगर भारत ने कल ही वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन दे दिया होता तो शायद कल भारत जीत जाता, लेकिन आज इतिहास 8 विकेट दूर है, यानी कि भारत को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए 8 विकेटें चाहिए। 45 रनों पर 2 विकेटें गिर चुकी हैं वेस्ट इंडीज की, 468 का लक्ष्य उनके सामने है, यानी कि अभी उनको 423 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, या फिर 2 दिन बैटिंग करनी है मैच को बचाने के लिए। तो अगर भारत आज 8 विकेट ले लेता है तो इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज भारत वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप करके करेगा। 120 पॉइंट पर भारत अचानक से पहुंच जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि विराट कोहली भारत के क्रिकेट इतिहास में सबसे सफलतम कप्तान भी बन जाएंगे। 27 टेस्ट मैच जीते हैं उन्होंने एक कप्तान के तौर पर, धोनी ने भी इतने ही जीते हैं। Amazing. और जमैका टेस्ट जीतकर विराट कोहली 28 जीत के साथ नंबर एक। 24 घंटे पहले जब हम यहां पर बैठे थे तो हमें था कि कल रात मैच खत्म हो जाएगा, और कल रात मैच खत्म हो जाना चाहिए था, वेस्ट इंडीज की गर्दन भारत के हाथ में थी, लेकिन समहाउ विराट ने फॉलो ऑन नहीं कराया। विकटें लेकिन आज गिरेंगी, 8 ही विकटें हैं और वेस्ट इंडीज की 2 गिरी, 2 के साथ 2, 8 ऐसी आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए फॉलो इसलिए नहीं किया, मेरे को लगता है कि शायद बॉलर भी थोड़ा सा थक गए होंगे, नाले आजकल आपने देखा ये कि रिवाज नहीं है, 47 ओवर में गेंदबाज थक गए होंगे, जिन्होंने आजकल सिर्फ 14 ओवर का रिवाज भी नहीं है कि एक बार जो कलकत्ता में फॉलो ऑन हुआ था एक मैच में, जिसमें मदन जी परिस्थितियां डिफरेंट थी, हां डिफरेंट थी, पर आजकल ऐसा करते क्या हो रहा है कि जब आप इतनी लीड कर देते हैं कि दूसरी टीम जो है आप कर ही ना पाए स्कोर, तो उसके साइकोलॉजिकली भी मैं समझता हूँ कि वो प्ले कर जाता है कि 468 रन चेज करना काफ़ी दूसरी टीम के लिए मुश्किल होगा। पर अभी जीत के बारे में अगर आप कह रहे हैं तो लंच टाइम पे नहीं तो टी टाइम पे तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि हो ही जाएगी, और क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल है 2 दिन खड़े रहना और रन 423 रन बनाना, क्योंकि सारी टेस्ट मैच दोनों टेस्ट मैच में उन्होंने बैटिंग बिल्कुल नहीं अच्छी की। हो सकता है कि आज जो गेंद है ज़्यादा कैरी करे, क्योंकि जो विकेट है बिल्कुल ड्राई हो चुकी होगी और थोड़ा सा घास की वजह से हो सकता है कि कैरी ज़्यादा। कल बुमराह को सेकंड इनिंग में विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ब्रावो के सर पर एक गेंद मारा था, आपने देखा वो हेलमेट। हाँ, बिल्कुल ये होता है यहाँ पे कि जैसे जैसे ड्राई होती चली जाती है, हार्ड होती चली जाती है और बाउंस भी उससे ज़्यादा आना शुरू होता है, और आपने देखा होगा शुरू में पहले दिन के जो विकेट थे उसमें इतना ज़्यादा बाउंस नहीं था, सीम जरूर थी, बट ये है कि आज थोड़ा सा हो सकता है कि बाउंस ज़्यादा हो तो उसमें विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस, और हमारे बॉलर जैसे बॉलिंग कर रहे हैं तो पूरी उम्मीद है कि गेंद टर्न भी कर रहा है, अगर ऐसी बात होती भी है तो जडेजा जो है वो प्ले में आ जाएंगे, वो विकेट्स निकाल सकते हैं, तो आज मेरे को लगता है कि विराट कोहली जो है धोनी से आगे निकल जाएंगे, इतिहास जरूर रचेंगे वो। और भारत की बड़ी जीत होगी, बड़ी कामयाबी होगी, चलिए वेस्ट इंडीज है लेकिन जो भी है जिस तरह भारत ने गेंदबाजी की है, न सिर्फ इस टेस्ट मैच को बल्कि सीरीज के लिहाज से देखें, आप पूरी दुनिया भारत की तेज गेंदबाजी का खौफ मानती है। मुझे दो खिलाड़ियों को तो बड़ा मजा आया कल फॉलो ऑन ना कराने का, वो हनुमा विहारी और अजिंक्य रहाणे, ये दोनों इस दौरे के सबसे बड़े पॉजिटिव्स हैं। हनुमा विहारी ने शानदार बैटिंग दिखाई है, अजिंक्य रहाणे फॉर्म में वापस आए, लेकिन जो 1, 2, 3, 4 हैं वो इतना अच्छा दौरा उनके लिए नहीं रहा, खास तौर से अगर मैं केएल राहुल की बात करूं। केएल राहुल 2018 की शुरुआत से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 साल में उन्होंने 100 बनाया, 149, एक अर्धशतक है, और उनके आउट होने के तरीके अब सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली मौजूदा होम सीरीज में केएल राहुल ही ओपन करेंगे या फिर कोई और ओपनर आप देखना चाहेंगे, क्योंकि इनको मौके तो बहुत मिल गए। नहीं देखिए मौके तो खूब मिले हैं, पर चिंता वाली बात जरूर है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में दोनों टेस्ट मैच में कोई इतना अच्छा स्टार्ट भी नहीं मिला, और जैसे केएल राहुल आउट हो रहे हैं बार बार उसी कॉट बिहाइंड या कॉट स्लिप पे आउट हो रहे हैं, ये एक तो टेक्निकल फ्लॉ जरूर होगा यहाँ पर, और दूसरी बात ये है कि आपको एक चाहिए यहाँ पर सॉलिड, आपको एक बैट्समैन चाहिए जो कि आपको अच्छा छाड़ सके, और एक कम से कम 2 सेशन या 3 सेशन खेले, वो बड़ा जरूरी रहता है टेस्ट क्रिकेट में कि आप कितने सेशन खेलते हैं, सेशन के बाद अगर आप 3 सेशन खेलते हैं तो उसमें आप रन बना ही लेते हैं, और दूसरा कि आने वाले जो बल्लेबाज है उनके लिए भी काफ़ी राहत रहती है। पुजारा का सीज़न भी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं रहा, पर के तो 100 रन भी नहीं है सीरीज में। हाँ 100 रन नहीं है, बड़ा अग्रवाल के 100 रन नहीं है सीरीज में, बड़ा अजीब सी बात है क्योंकि नॉर्मली ये रन टेस्ट क्रिकेट में बहुत बनाते हैं इन्होंने, राहुल के भी 100 रन नहीं है सीरीज। हाँ 100 रन नहीं है इनके भी नहीं है, और विराट के सिर्फ 100 से थोड़े से ही ज्यादा। पर देखिए ये अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो सिलेक्टर्स को तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन के बारे में सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाली सीरीज है ठीक है ये वेस्ट इंडीज है, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रांग टीम नहीं है, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वहाँ के लिए तो आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा,
ऐसा नहीं है क्योंकि ये टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, तो इसमें इसमें लाजमी है कि आप एक सॉलिड ओपनर जो है आपके पास होने चाहिए जो कि आपको एक अच्छा साथ दे सके। चलिए फिलहाल तो वैसे टेस्ट मैच की तरफ दोबारा चलें, क्योंकि वेस्टइंडीज की 45 रनों पर 2 विकेटें गिर गई, 8 विकेटें चाहिए भारत को आज मैच जीत कर एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 120 पॉइंट और विराट कोहली सबसे सफलतम भारतीय टेस्ट कप्तान भी बन जाएंगे। फटाफट से फोन उठाइए क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर सेशन दर सेशन हम लाइव रहेंगे, जब जब विकेटें गिरती रहेंगी, लंच पर, टी पर, क्लोज ऑफ प्ले पर, और एक ऐसा मंच जहां पर आप भी जुड़ते हैं हमारे शोज में। तो हर शो के लिए आपको आना है और आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है। उधर मोहम्मद शमी के लिए दिक्कतें परेशानियां बढ़ सकती हैं क्योंकि जैसे ही वो वेस्टइंडीज के दौरे से आएंगे, जहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है, कोलकाता कोर्ट ने आज अरेस्ट वारंट उनका जारी किया है, उनको 15 दिन का वक्त दिया गया है, 15 दिन की मोहलत है कि अपने आप को आकर सरेंडर कराइए, उसके बाद आपकी बेल एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा कोर्ट में जाकर, क्योंकि अब तक मोहम्मद शमी खुद कोर्ट में अपीयर नहीं हुए हैं। आपको याद होगा उनकी पत्नी से जो झगड़ा था, ये केस तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है और मोहम्मद शमी इस दौरान भारत की टीम के स्टार गेंदबाज हैं, वर्ल्ड कप भी खेले, वेस्टइंडीज दौरे पर भी हैं, वहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी भी की है, लेकिन आने वाले दिन, आने वाले 2 हफ्ते शमी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और उन्हें 15 दिन की मोहलत दी गई है अपने आप को सरेंडर करने की।